रायगढ़ में धरमजयगढ़ मार्ग पर पूरी तरह जर्जर हो चुका है। रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस मार्ग से गुजरती हैं। ओवरलोड वाहनों की वजह से धरमजयगढ़ मार्ग की हालत बद से बदतर हो गई है। आए दिन सड़क हादसे होने के बावजूद प्रशासन सड़क की मरम्मत कराने पर ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारियों की उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम करते हुए सड़क बनाने की मांग की है। सर, इस रोड में आप लोग को क्या क्या तकलीफ और परेशानियां हैं? पूरा तकलीफ है, पूरा रोड एकदम गड्ढा गड्ढा हो गया है, चलने लायक नहीं है रोड। सर, इसमें तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत है इसमें। इसके लिए शासन प्रशासन को आवेदन आवेदन किए हो आप लोग? क्या है आज तक मैं जिंदगी में ऐसे कहीं रोड ही नहीं देखा हूँ, कहीं रोड ऐसा नहीं देखा हूँ इंडिया में अभी तक, ये इस तरह से बुरा हाल है रोड का। गाड़ी तो चल ही नहीं पा रहा है, घंटे भर का सफर 5 घंटा लग रहा है। आज 15 अगस्त का दिन था, मनाने के लिए मतलब सब रेडी हो गए थे और जा रहे थे कि रोड में देखे तो इतना पानी भरा हुआ है, 2.5-3 फीट पानी भरा हुआ है और वहाँ से मतलब वापस आ गए लोग। तो शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि इस रोड के बारे में भी ख्याल रखें और जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। और इस रोड का वजह है फ्लाई एश डंप नवदुर्गा वाला किया जा रहा है, बगल में जो पानी आवाजाही को बंद कर दिया गया है, इसलिए रोड में पानी भरा हुआ है और बच्चे लोगों का आज खुशी का दिन था और स्कूल नहीं जा पाए। मेरा इतना निवेदन है प्रशासन से कि जल्द है, ये रास्ता पूरी तरह से भर चुका है, अब मेन रोड पे भी भर चुका है। हम लोग गांव वाले पिछले कई बार से आवेदन दे चुके, थाना में दे चुके, एडीएम साहब को दे चुके। चूँकि अब मैं आपको बता देना चाहूँ कि अभी कुछ 15 दिन पहले आवेदन दे चुके थे, रोड की जर्जर स्थिति को देखते हुए। यहाँ मोहल्ला है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है। प्लांट वाले अगर चाहें, यहाँ 1-1 किलोमीटर तक प्लांट वाले अगर चाहें ये दस्ट या मुरूम पाटना, तो पूरी की पूरी सड़क जो 16 किलोमीटर की सड़क है वो पूरी से ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए हमने अपने मोहल्ले पे पूरी तरह से जाम लगा दिए हैं। जिसको जाना है वो मेन रोड से जाएंगे और जिसको नहीं जाना है वो फिर अपना गाड़ी खड़े कर देंगे, इसलिए हम लोग रोड को जाम कर चुके हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवराज चौहान, वार्ड क्रमांक 4 एवं वार्ड क्रमांक 6 का मैं पंच हूँ। इसलिए मैं अपना रोड को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, यहाँ गाड़ी पूरा स्पीड में जा रही है, पूरी जर्जर सड़क हो चुकी है, पूरी भर चुके हैं पानी, इसलिए मैं पूरी तरह से मैं रोक लगा दिया हूँ। सर, इस रोड में आप लोग को क्या क्या तकलीफ और परेशानियाँ हैं?